चलिए हम लोग का पार्ट थ्री यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग 21 से लेके 30 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट द फाइनेंशियल नेचर। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, मतलब बिजनेस से सम बिजनेस में जिसको मनी में मेजर नहीं कर सकते, है ना, वही मतलब हुआ। तो सवाल है कि बिज गुड्स उधार कर दे, ठीक है उधार कर दे, लेकिन इसको मनी में मेजर तो हो ही सकता है। बिल्डिंग खरीदे ये भी हो सकता है, सैलरी दी ये भी हो सकता है, लेकिन इम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले गए ये फाइनेंशियल नेचर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नॉन फाइनेंशियल नेचर का मान के चले, ठीक है। मैशनरी कैसा अकाउंट है, अरे मैशनरी आपका होगा रियल अकाउंट, है ना, ठीक है, मैशनरी आपका वास्तविक खाता है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ऑन 31 मार्च 2012 को आफ्टर द सेल ऑफ 5,000 स्टॉक कितने का बच गया, 8,000 का। तो बोल रहा है कि 5,000 का जब हमने गुड्स बेच दिया उसके बाद मेरे पास 8,000 का स्टॉक बच गया, तो ये जो 8,000 का स्टॉक बच गया ये क्या है सर, ये इवेंट है, स्टॉक बच गया लेन देन थोड़े हुआ है, इसको हम लोग इवेंट बोलेंगे, ट्रांजेक्शन नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, अगर इसके लिए पूछता कि वो बेचे वो क्या है तो वो ट्रांजेक्शन होता है, स्टॉक जो है वो आपका इवेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, इसीलिए एक्सपेंसेस आंसर होगा, ठीक है। ड्रॉइंग कौन सा अकाउंट है, ड्रॉइंग कम्स अंडर विच अकाउंट, ड्रॉइंग जो है आपका बाबू पर्सनल अकाउंट आता है, क्योंकि प्रोप्राइटर को पर्सनली वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग क्या है, अच्छा बुक कीपिंग में क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, जर्नल एंट्री करना, ये सब आता है। तो बुक कीपिंग का बेसिक अकाउंटिंग क्या होगा, बेसिक एक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग क्या हो जाएगा आपका, जर्नल एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, कैश परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड है ना। देखिए हम लोगों ने क्या बोला था कि देखिए उधार खरीदते तो आपका कैश, उधार खरीदते तो परचेज बुक में जाता है, उधार बेचते हैं तो सेल बुक में जाता है, नगद जो है वो कहाँ जाएगा, कैश बुक में जाता है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन अगर इन कैश होगा तो वो कैश बुक में दिखाया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है लेखांकन की मान्यता है, यानी क्या बोल रहा है, पोस्टुलेट्स ऑफ द अकाउंटिंग, है ना, अकाउंटिंग का लेखांकन की क्या मान्यता है, उसमें एक्सचेंज भी आता है, पीरियड को भी लेके चलना है, यूनिट ऑफ मेजर भी है, तो इस हिसाब से इसका आंसर डी नंबर पॉइंट होगा, ये चारों होता है, ठीक है, ओके। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो यहाँ क्या बोल रहा है, द प्रिपेयर्स ऑफ द डेबिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट ये होता है कि जब डेबिट नोट कौन बनाता है, परचेजर बनाता है, परचेजर जो है गुड्स उधार खरीदता है और अगर उसमें वापस कर देता है, खरीदा हुआ गुड्स अगर वो वापस करता है तो वहां पर क्या बनाता है, डेबिट नोट, तो इसका आंसर हो जाएगा परचेजर, है ना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का, कैश अकाउंट ऑलवेज कैश टू की एसेट होता है, तो हम लोग ट्रायल बैलेंस चैप्टर में पढ़े थे कि एसेट एक्सपेंसेस और लॉसेस का बैलेंस डेबिट होता है, इसीलिए कैश का बैलेंस हमेशा क्या होगा, ऑलवेज डेबिट, बिकॉज कैश इज एसेट, है ना। तो हमारा यहाँ पर पार्ट टू और पार्ट थ्री भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने 21 नंबर से लेके 30 नंबर तक क्वेश्चन को डील किया। अब अगले पार्ट में हम लोग 31 से लेके 40 नंबर क्वेश्चन तक को डील करेंगे।